ऊना के घालुवाल के पास एक तेज रफ्तार बस ने भेड़ पालकों के 4 दर्जन से अधिक भेड़ों को कुचल डाला। दर्दनाक हादसे में 23 भेड़ बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के अनुसार कांगड़ा के बैजनाथ के भेड़ पालक विक्रम व सुशील लाल सिंगी से सलोहा जा रहे थे कि घालुवाल के पास सुबह सवेरे दौलतपुर से ऊना आ रही एक निजी बस ने सड़क किनारे चल रही भेड़ों के झुंड को कुचल दिया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में चालक बस पर नियंत्रण खो बैठा और हादसा हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही सदर थाना ऊना के इंचार्ज सरबजीत सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। SHO सरबजीत सिंह ने कहा कि तेज रफ्तार बस ने भेड़ों को कुचल डाला। पुलिस ने बस चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं तहसीलदार ऊना विजय रॉय ने 2 भेड़ पालकों को 5,000 रूपए की तत्काल राहत प्रदान कर दी है। पूरा मामला जी साइड दे चले भी थे, साइड दे चले भी थे, साइड दे उधर दे गड्डी आई, उधर दे गड्डी चढ़ा दी, इतने ग्रुप लग गया पेड़ा दा रोकी उन्हें। किन्ने बजे की गल है? कुछ 6:30-6:30 बजे टाइम आए थे, उस वेले टाइम तो असी देखा नहीं अपने, मतलब यह कुछ 6 बजे टाइम साहब तो लगे। किन्नी पेड़ा मर गई? मतलब इतने तो 28 नग तो चलमे पे भी है, और बाकी जो उत्ते है ना 50 मारती गड्डी सीधी साइड ते नहीं चली। इतने तो भेडा नाल रुकी गड्डी, आप तो रुकता नहीं था, बाद सानू दुआले हो गया, सानू मारन हो गया दुआले मारने। सर ये एक हादसा हुआ है, क्या पूरा मामला है और कितने जो भेड़े हैं वो मरी गई? ये सुबह 6:30 के करीब प्राइवेट बस है गंगा, अपने दौलतपुर ऊना रूट है इसका, ये गालुवाल की तरफ से तेज रफ्तारी से आई है, और ये जो हमारे गद्दी समुदाय के लोग हैं जो अपने भेड़े लेके सड़क के ऊपर अपनी साइड में जा रहे थे, और तेज रफ्तारी के कारण इसने जो है बस रोक नहीं पाया, और ये इसने जो भेड़ों के झुंड के ऊपर बस अपनी चढ़ा दी है, जिससे तकरीबन 22-23 भेड़े जो है मौका पर मर चुकी है, और इतनी की जख्मी हो चुकी है, और हम इसके खिलाफ ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगामी कार्रवाई अमल में ला रहे हैं, प्रशासन को सूचित कर दिया है, अपने डॉक्टर साहब वेटरनरी वाले भी मौके पर पहुंच रहे हैं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए ऊना से ब्यूरो चीफ जितेंद्र कंवर के साथ मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स डावर आमला हेयर ऑयल मिस हिमाचल 2019। अविवाहित युवतियों के लिए एक सुनहरा मौका अपनी प्रतिभा को दिखाने का, भाग लीजिए ऑडिशन में, जल्द आ रहे हैं आपके शहर। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल, और फेसबुक पर मिस हिमाचल का पेज लाइक करना ना भूलें।